आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आपको इस न्यूमेरिकल में दे रखा है गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तेके की दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है। पहला वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, दूसरा दोलन करता हुआ लोलक, सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी तथा सीधी सड़क पर चलती हुई कार। देखिए दो चीजें हैं, तो आपके पास दूरी दे रखी है और एक क्या दे रखा, विस्थापन, ठीक है ना। तो दूरी और विस्थापन की बात करें अपन, दूरी और विस्थापन, ठीक। तो मान सपोज करिए आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो ए से बी पर जाने के अनंत रास्ते हो सकते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से भी जाया जा सकता है, किसी भी प्रकार से ए से बी पर जाया जा सकता है। तो जो अगर मान ए से बी पर जाने के अनंत रास्ते हो सकते हैं, मान लीजिए सपोज करिए आप ए से बी पर गए इस पाथ के थ्रू, तो ए से बी पर जो आपका पथ होता है ना, उसकी कुल लंबाई को तो अपन दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी हो। जैसे यहाँ पर ए से और बी की बात करें, तो ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी होगी ये ना। इसके अलावा आपके पास कोई भी पथ ऐसा नहीं है जो न्यूनतम दूरी को बताएगा। तो अब देखिए आपको बताना है कि दूरी और विस्थापन दोनों का परिमाण क्या बराबर हो। पहला वृत्ताकार पथ पे चलती हुई कार, तो जैसे किसी भी वृत्ताकार पथ की बात करते हैं, सपोज करिए इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कार आपके पास यहाँ से चलना शुरू होती है, ठीक, और यहाँ पर पहुंच जाती है इस प्रकार से, सपोज करिए यहाँ पर कार चलना शुरू की और इस पथ को लेती हुई वो यहाँ से गुजर जाती है आपके पास। तो अगर इस वृत्ताकार पथ की वाली त्रिज्या कितनी आपके पास आर है सपोज करिए, तो आपके पास जो दूरी होती है जिसको हम मान सिंपल डी से दिखाते हैं ना, डी से लिखे, तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी आपके पास ये तो हो जाएगी कितनी, टू पाई आर, क्योंकि कुल परिधि कितनी होती है, टू पाई आर। तो मान लीजिए ये इसका अर्धवृत्त है, सॉरी व्यास है ना। तो यहाँ पे कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी, यानी कि पथ की लंबाई देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, पाई आर, क्योंकि टोटल कितनी होती है, टू पाई आर, उसका आधा लेंगे तो पाई आर। लेकिन जब विस्थापन की बात करते हैं, सपोज कर इसको डी डैश लिखे पर, सॉरी डी वेक्टर से, तो जो विस्थापन होता है ये क्या होता है आपके पास, न्यूनतम दूरी। तो यानी कि कार यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ से मुड़ जाती है, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ये त्रिज्या प्लस ये त्रिज्या, तो कितनी हो जाएगी, टू आर हो जाएगी, है ना। तो इसमें तो बराबर नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है आपके पास दोलन करता हुआ लोलक, यानी कि लोलक की भी बात करें यहाँ पर, तो इस प्रकार से होता है आपके पास, सपोज करिए कोई लोलक है आपके पास इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये अगर दोलन कर रहा है, दोलन का मतलब क्या होता है, किसी एक बिंदु तो विस्थापित करे इसको और वापिस छोड़ दे ना, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लेके और इसको रिलीज कर दे तो इधर जाएगा, तो आगे जाके इधर आगे निकलेगा और फिर रुकेगा, ठीक है, फिर वापस क्या करेगा, इधर गति करेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो, दिशा परिवर्तन हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है, दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन। अगर दिशा में परिवर्तन है आपके पास तो विस्थापन है ना, परिवर्तन, तो विस्थापन और दूरी दोनों क्या होंगे, अलग अलग, क्योंकि दूरी में आपके पास किसी भी दिशा की बात नहीं की जाती, लेकिन विस्थापन केवल क्या होता है, अंतिम बिंदु और शुरुआती बिंदु इस पर निर्भर करता है, तो ये भी आपका गलत होगा। तीसरा सूर्य की गिर्द घूमती पृथ्वी, तो ये भी आपका इसी प्रकार से देखे तो पूरा चक्कर लग रहा है ना, ठीक है, तो चक्कर लग रहा है, यानी कि आप देखिए वापिस क्या हो रहा है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत होगा। चौथा देखेगा सीधी सड़क पर चलती हुई कार, तो अगर सीधी सड़क पर कोई कार चल रही है, सपोज करिए इस प्रकार से, मान लीजिए सीधी सड़क है आपके पास और कोई कार इसमें चल रही है, ठीक है ना, आगे की ओर, अगर इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यहाँ पर देखिए दूरी और विस्थापन हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर चार आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो जितनी दूरी मान लीजिए ए से यहाँ से चलना शुरू करती है कार ए से बी पर, तो ये केवल इसके पास एक ही पथ है, कौन सा, रेखीय पथ जो इस पर चलेगी। इस प्रकार से अगर अपन देखें इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता तो यहाँ से यहाँ पर जो दूरी होगी और वही क्या होगा, विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर चार आपका सही आंसर, ठीक है ना, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।